मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बीवी, इन सब के प्रति और भी श्रद्धा का भाव रखेंगे और भी थैंकफुल होंगे। तो चलिए करते हैं आगाज कहानी उसके हिस्से के दुख का। शाम के 7 बज रहे थे। विनय ने ऑफिस से आकर फ्रेश होकर पत्नी अंजलि और दोनों बेटियों कोमल और शीतल के साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। आज बीच बीच में विनय कुछ असहज से लग रहे थे। अंजलि ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ, कुछ अनकंफर्टेबल सा हूँ, थोड़ी सैर करके आता हूँ। हाँ, आपकी सारी तबीयत सैर करके ठीक हो जाती है, तुम भी चलो ना साथ। नहीं, मुझे डिनर की तैयारी करनी है। तुम हमेशा बहाने बनाती रहती हो, तुम्हें डायबिटीज है। डॉक्टर ने रोज तुम्हें सैर करने के लिए कहा है और जाता मैं हूँ, चलो साथ में। अच्छा, कल चलूंगी ना, कल भी तुमने यही कहा था। कल जरूर चलूंगी। फिटनेस के शौकीन 30 वर्षीय विनय ने स्पोर्ट्स शूज पहने और निकल गए। बेटियों को होमवर्क करने के लिए कहकर अंजलि किचन में व्यस्त हो गई। काम करते हुए विनय के बारे में ही सोचती रही कि कितना शौक है विनय को फिट रहने का। दोनों समय सैर, टाइम से खाना पीना, सोना। अंजलि ने कई बार विनय को छेड़ा भी, कितना ध्यान रखते हो अपना, कितना शौक है तुम्हें हेल्दी रहने का, जरा सा जुकाम भी हो जाता है तो भागते हो डॉक्टर के पास। वो इसलिए डियर कि मैं कभी बीमार पड़ना नहीं चाहता, मुझे तुम तीनों की देखभाल भी तो करनी है, वो अपने पर गर्व करने लगती। विनय सैर से लौटे तो कुछ सुस्त थे, स्वभाव के विपरीत चुपचाप बैठ गए तो अंजलि ने टोका, क्या हुआ, आज सैर से फ्रेश नहीं हुए? नहीं, थोड़ा अनईजी हूं। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ तो हो रहा है। डिनर करते हुए भी विनय को चुपचाप गंभीर देख अंजलि ने फिर पूछा, विनय क्या हुआ? अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए विनय ने गंभीरता पूर्वक कहा, यहां से लेकर सिर तक बीच बीच में एक ठंडी सी लहर उठ रही है। अरे चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, अंजलि ने चिंतित स्वर में कहा। अंजलि विनय के साथ डॉक्टर नमन के क्लिनिक के लिए निकल गई। ठाणे की इस हाईलैंड सोसाइटी के अधिकांश निवासी सोसाइटी में स्थित नमन क्लिनिक ही जाते थे। अपना इतना ध्यान रखने के बाद भी विनय को अक्सर कुछ न कुछ होता रहता था। विनय दवाइयों की कंपनी में ही काम करते थे तो डॉक्टर शर्मा से उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। डॉक्टर नमन ने कहा, ऐसे ही एसिडिटी रहती है ना तुम्हें, वही कुछ हो रहा होगा। डॉक्टर नमन से अधिकतर लोगों को ये शिकायत रहती थी कि वे मरीज की परेशानी को अक्सर हल्के में ही ले लेते थे, कुछ इस बात से खुश रहते थे तो कुछ शिकायत करते थे। एसिडिटी की दवाई लेकर विनय और अंजलि घर आ गए, फिर रोज की तरह 11 बजे सोने चले गए। रात को 3 बजे के आसपास अंजलि विनय के बाथरूम जाने की आहट पर जागी। विनय बाथरूम से आए और वापस बेड पर बैठते बैठते एक तेज आह के साथ लेटते हुए बेहोश हो गए। अंजलि हैरान से उन्हें हिलाती हुई आवाज देने लगी, विनय उठो, क्या हुआ है? विनय की बेहोशी बहुत गहरी थी, वे हिले भी नहीं। अंजलि के हाथ पैर फूल गए। उनका फ्लैट 3rd फ्लोर पर था। उसी बिल्डिंग में ही 10th फ्लोर पर अंजलि का छोटा भाई राकेश, उसकी पत्नी उमा और उनके 2 बच्चे रहते थे। अंजलि के माता पिता थे नहीं, दोनों भाई बहन ने एक दूसरे के आसपास रहने के लिए ही एक बिल्डिंग में घर लिए थे। अंजलि ने इंटरकॉम पर राकेश को तुरंत आने के लिए कहा। राकेश उमा भागे आए, बहुत कोशिश के बाद भी विनय को होश नहीं आ रहा था। उन्हें बेहोश हुए 30 मिनट हो गए थे। राकेश ने अब फोन कर तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। उमा को बेटियों की जिम्मेदारी सौंप अंजलि राकेश के साथ विनय को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। उन्हें फौरन एडमिट किया गया। गहरी बेहोशी में विनय को देख अंजलि के हौसले पस्त हो रहे थे। राकेश उसे तसल्ली दे रहा था। विनय को फौरन ICU में एडमिट कर लिया गया। उन्हें काफी देर बाद होश आया तो वे बिल्कुल नॉर्मल थे, बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हुआ। उन्हें अपना बेहोश होना बिल्कुल याद नहीं था। अगले कई दिन टेस्ट्स का सिलसिला चलता रहा। दवाइयों की ही फील्ड में काम करने के कारण विनय की कई डॉक्टर्स से अच्छी जान पहचान थी। टेस्ट्स होते रहे, रिपोर्ट्स आती रहीं। सब ठीक ही लग रहा था कि ब्रेन की MRI की रिपोर्ट आई तो बात चिंता की थी। ब्रेन में एक धब्बा सा नजर आ रहा था। विनय के ही कहने पर MRI फिर किया गया, रिपोर्ट वही थी। अब डॉक्टर ने कहा बायोप्सी करनी पड़ेगी।
घबराहट के कारण अंजलि के आंसू बह चले। बायोप्सी? हाँ जरूरी है। एकदम हलचल सी मच गई। विनय ने कहा, राकेश मैं हिंदुजा में एक बार दिखा लेता हूं, वहां मेरी अच्छी जान पहचान है और हर तरह से वहीं ठीक रहेगा। राकेश अंजलि ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस हॉस्पिटल में भी विनय को एडमिट हुए 10 दिन हो गए थे। राकेश ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। अंजलि मुश्किल से ही घर चक्कर काट पा रही थी। उमा ही शीतल कोमल को स्कूल भेजती थी, उन्हें अपने पास ऊपर ही रखती थी। इन 10 दिनों ने अंजलि को भी बहुत शारीरिक और मानसिक तनाव दिए थे। डायबिटीज के कारण उसकी हेल्थ भी काफी प्रभावित हो रही थी। इस समय विनय की चिंता ने उसकी हालत खराब कर रखी थी। हिंदुजा में डॉक्टर्स को दिखाकर विनय एडमिट हो गए। बायोप्सी हुई। ब्रेन जैसे शरीर के महत्वपूर्ण भाग के साथ छेड़छाड़ होती सोचकर अंजलि मन ही मन बहुत घबराए चली जा रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। रिपोर्ट आने में 10 दिन लगने वाले थे। विनय को बुखार भी था, बाकी टेस्ट भी चल रहे थे। डॉक्टर अमन ने कहा, आप लोग सोच लें, डिस्चार्ज होकर घर जाना है या यहीं रहना है। यहां से आपका घर काफी दूर है, 3 दिन बाद सिर की ड्रेसिंग भी करनी है, बार बार आने जाने में आपको परेशानी होगी। विनय के सिर के थोड़े से बाल बायोप्सी के लिए शेव किए गए थे, अभी 3 दिन बाद फिर ड्रेसिंग होनी थी। यही ठीक समझा गया कि फिर आने जाने से अच्छा है कि एडमिट ही रहा जाए। विनय काफी सुस्त भी थे, उन्हें आने जाने में स्ट्रेस भी हो सकता था, इसलिए डिस्चार्ज नहीं लिया गया। उमा बीच में एक आध बार कोमल और शीतल को अंजलि और विनय से मिलवा लाई थी। उमा अंजलि के कपड़ों का बैग भी ले आई थी। अब अंजलि भी लगातार हॉस्पिटल में ही थी। विनय सामान्य दिखने की कोशिश तो करते पर मन ही मन बहुत चिंतित थे। बार बार अंजलि से कह रहे थे, यार हमेशा हेल्थ का इतना ध्यान रखता था और अब कितने दिनों से हॉस्पिटल में पड़े हैं। अंदर से खुद भयभीत अंजलि हौसला बढ़ाती, कोई बात नहीं, रिपोर्ट ठीक ही होगी, बस फिर घर चलेंगे। अंजलि विनय को क्या जैसे खुद को तसल्ली दे रही थी। रिपोर्ट क्या आई, विनय और अंजलि के जीवन में दुखों का जैसे एक सैलाब सा आ गया। क्या करें, क्या होगा, किसी को कुछ समझ नहीं आया था। विनय को ब्रेन कैंसर था जो इतना फैल चुका था कि ऑपरेशन असंभव था और लास्ट स्टेज थी। सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अंजलि को लगा कि एक पल में ही उसकी दुनिया बदल गई है। डॉक्टर के सामने ही फूट फूट कर रो दी वो। विनय अवाक थे। राकेश अंजलि को चुप करवाता हुआ खुद भी रो रहा था। डॉक्टर ने अंजलि से कहा, आप आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। विनय को रूम में छोड़ अंजलि और राकेश डॉक्टर के कैबिन में गए। डॉक्टर ने गंभीरता पूर्वक कहा, आपको अब खुद मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना है। सबसे दुख की बात है कि विनय के पास सिर्फ 2-3 महीने ही हैं। क्या? अंजलि रो पड़ी। राकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, कोई तो इलाज होगा, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, क्या हमें उन्हें विदेश ले जाने की कोशिश करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, उन्हें अब कहीं भी ले जाने से फायदा नहीं है, लास्ट स्टेज है, कीमो और रेडिएशन ट्राई करते हैं, अगर बॉडी को सूट कर गया तो थोड़े दिन और बढ़ जाएंगे और आपको बहुत सारी बातें समझनी होंगी। उन्हें बात बात पर चिड़चिड़ाहट हो सकती है, मूड स्विंग्स होंगे, मेमोरी लॉस भी हो सकता है। उनके साथ अचानक ये सब हुआ है, वे मानसिक रूप से बहुत अस्थिर होंगे, आपको बहुत धैर्य रखना होगा। टूटे हारे तीनों 10 दिन बाद घर वापस आ गए। घर के पास ही एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के लिए रोज जाना था। वहीं जाने में सुविधा थी तो वहां डॉक्टर को दिखाकर आगे के लिए इलाज शुरू हो गया। सुबह सबका नाश्ता बनाकर बेटियों को स्कूल भेज अंजलि 10 बजे विनय के साथ हॉस्पिटल जाती। आने में 1-2 बज जाते, आकर लंच बनाना, विनय को खिलाना, फिर उन्हें आराम करवाना। पर विनय आराम करना कहाँ जानते थे, हाइपर एक्टिव इंसान थे, हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते थे। अब धीरे धीरे स्टैमिना कम हो रहा था, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स भी बहुत साफ नजर आते थे, काफी कमजोरी रहने लगी थी, जल्दी थकते थे, घर में भी चलने फिरने में थकते दिखाई दे रहे थे। कार चलाना तो अब बंद ही हो गया था, हॉस्पिटल आने जाने के लिए एक ड्राइवर को बुलाया जाता था। विनय की गिरती सेहत, भविष्य में आने वाली परेशानियों का डर, घर में अनिष्ट की आशंका हर तरफ दिखाई देने लगी थी। बहुत कम लोगों को ही विनय की बीमारी का पता था। विनय अब अपने सारे बीमे के पेपर्स, सारे फंड्स खोलकर बैठे रहते,
एक एक चीज अंजलि को समझाते कि कैसे क्या करना है। वे महसूस कर चुके थे कि किसी भी दिन कुछ भी हो जाएगा। अब तक विनय को हर बात हर काम खुद करने की आदत थी। स्वभाव से ही वे काफी पजेसिव और डोमिनेटिंग टाइप के इंसान थे। अब हर बात में अंजलि और बच्चों पर निर्भर होना पड़ रहा था तो उन्हें बात बात पर गुस्सा आने लगता था। कभी भी चिढ़ जाते, बहुत गुस्सा करते। अंजलि को दोहरी तकलीफ होती, एक तरफ असाध्य बीमारी, उस पर विनय का गुस्सा और चिड़चिड़ाहट। कभी कभी उसे सजा सी लगने लगती कि उसे क्यों इतना शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। एक महीने में ही उसका 4 किलोग्राम वजन कम हो गया था। विनय की जगह वो बीमार लगने लगती थी। रात भर उठकर विनय को देखती रहती कि ठीक तो है। वे जब से बेहोश हुए थे एक रात भी अंजलि चैन से नहीं सो पाई थी। एक दिन अंजलि जैसे ही दोपहर में थक कर थोड़ा लेटी, विनय ने कहा, अरे याद आया, एक पेपर का फोटो स्टेट करवाना है। ठीक है, अभी शाम को करवा लाऊंगी, या कोमल शीतल स्कूल से आएंगी तो करवा लाऊंगी, आपको अकेले छोड़कर नहीं निकलूंगी। नहीं, अभी चाहिए, मैं थोड़े पेपर्स ठीक कर रहा हूं। आप भी आराम कर लो, शाम को ले आऊंगी। विनय बुरी तरह चिढ़ गए। अब छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हें कितनी बार कहना पड़ता है? मेरी मजबूरी है, तुम्हें पता है ना, मेरा हर काम समय पर परफेक्ट रहता है, टालना मेरी आदत नहीं है। अब कितनी बार एक ही काम को कहना पड़ता है? थक कर लेटी अंजलि विजय की चिड़चिड़ पर उठकर बैठ गई। अभी जाना जरूरी है, बारिश भी तेज है। हाँ, अभी जरूरी है। अंजलि को गुस्से के मारे रोना आ गया। जब से विनय बेहोश हुए थे, एक मिनट भी अंजलि ने विनय को घर में अकेला नहीं छोड़ा था। इतने में बच्चे आ गए तो वो उन्हें खाना देकर तैयार होकर तेज बारिश में ही घर से निकल गई। जाकर फोटो स्टेट करवाया, फिर रास्ते में खुद को ही समझाने लगी कि विनय छोटे छोटे काम हमें कहते हुए मानसिक तनाव झेलते होंगे। इतनी बड़ी बीमारी की आखिरी दिन है, उन्हें कैसा लगता होगा? जब ये महसूस होता होगा कि किसी भी दिन वे नहीं रहेंगे, किस मानसिक यंत्रणा में वे रहते होंगे? फिर विनय के पक्ष में ही सोचती हुई अपना गुस्सा झुंझलाहट भूलने की कोशिश करने लगी। अचानक अंजलि की परेशानियां तब और बढ़ गई जब मुंबई में ही इस समय उसके देवर के पास रहने वाले उसके सास ससुर महेश और मालती विनय की बीमारी का पता चलने पर उसके पास रहने आ गए। महेश और मालती कुछ महीने विनय के छोटे भाई विजय के पास रहते थे। कुछ महीने यहाँ 86 साल के महेश और 80 साल की मालती दोनों शारीरिक रूप से बेहद खराब स्थिति में। दोनों बिना सहारे के उठ बैठ भी नहीं पाते थे। बस अंजलि को बात बात पर टोकने, सारा दिन उसकी गलतियां बताने की शक्ति उनमें आज भी थी। कभी कभी कुछ बुजुर्ग भी तो अपनी शारीरिक मानसिक अवस्था भूलकर किसी भी उम्र में दुर्व्यवहार करना नहीं छोड़ते। अब सास ससुर की सेवा, बीमार पति की देखभाल, दोनों बेटियों की स्कूल की पढ़ाई, घर के काम, अंजलि टूट टूट कर अंदर ही अंदर बिखर रही थी। वो अपना सारा दुख अपनी अभिन्न सहेली रूपा से ही शेयर कर पाती थी, जो उसी सोसाइटी में रहती थी। रूपा को अपनी इस सहेली का दुख कम करने का कोई रास्ता नहीं सूझता अंजलि के सास ससुर जब से आए थे। अंजलि ने रूपा से कहा था, मैं तुमसे अब फोन पर ही बात करूंगी। माँ पिताजी को मेरी किसी से भी दोस्ती कभी पसंद नहीं आई है, और किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के डर से डॉक्टर ने भी अब विनय को किसी से मिलने जुलने के लिए मना कर दिया है। अंजलि घर का कोई सामान लेने बाहर निकलती तो कभी कभी 10-15 मिनट के लिए रूपा के पास चली जाती थी। उसका घर रास्ते में ही पड़ता था। उस समय वो सिर्फ रूपा के गले लगकर रोती ही रहती, कुछ बात भी नहीं कर पाती। अपनी सहेली के दर्द को समझ रूपा कभी उसे बाहों में भर खूब स्नेहपूर्वक दिलासा देती तो कभी कभी साथ में रो ही देती। रूपा के पति अनिल व्यस्त इंसान थे, अक्सर टूर पर रहते थे। उसका देवर सुनील, जो अभी पढ़ ही रहा था, उसके साथ ही रहता था। ऐसे ही एक दिन रूपा ने कहा, अंजलि सारे काम खुद पर मत रखना, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, कोई भी काम हो सुनील को बता दिया कर, कॉलेज से आकर वो फ्री ही रहता है। हाँ ठीक है, कहकर अंजलि चली गई। रूपा फोन पर अंजलि से दिन में एक बार बात जरूर करती थी। अंजलि की बिल्डिंग में अभी किसी को विजय की बीमारी के बारे में पता नहीं था। स्वभावतः विनय बहुत कम लोगों को पसंद करते थे। उन्होंने हमेशा आसपास रहने वालों से एक दूरी ही बनाकर रखी थी। राकेश उमा से जितना हो सकता था कर रहे थे। एक महीने बाद कीमोथेरेपी बंद हो चुकी थी, रेडिएशन थोड़ा बाकी था, कुछ फायदा होता नहीं दिख रहा था। विनय की हालत चिंताजनक थी, उन्हें अब काफी तेज बुखार रहने लगा तो रेडिएशन भी रोकना पड़ा।
कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन रिपोर्ट्स लानी थी और दवाइयां भी खत्म थी। जुलाई का महीना था, बारिश बहुत तेज थी। रात के 9 बज रहे थे। अंजलि ने हमेशा की तरह होम डिलीवरी के लिए मेडिकल स्टोर फोन किया तो फोन की घंटी बजती रही, किसी ने फोन उठाया नहीं। या तो फोन खराब था या मेडिकल स्टोर बंद था। राकेश उमा भी बाहर थे। कुछ समझ नहीं आया तो अंजलि ने रूपा को फोन कर ये समस्या बताई। रूपा ने फौरन कहा, दवाई का नाम व्हाट्सएप पर भेज दे, सुनील दवाई और रिपोर्ट सब पहुंचा देगा। अंजलि को बहुत सहारा सा लगा। पहले भी कई बार रूपा के किसी काम से सुनील आता जाता रहता था। वो शरीफ सभ्य लड़का था, पर इस बार आया। विनय की तबीयत पूछी तो विनय ने उसे बहुत रूखे स्वर में जवाब दिया। अंजलि को बहुत बुरा लगा पर कुछ कह नहीं सकती थी। महेश और मालती ने भी सुनील के जाने के बाद बहुत ही मूड खराब कर सुनील के आने के बारे में कमेंट किए तो अंजलि रुआंसी हो गई। क्या करे इन लोगों का, सुनील से तो कोई लेना देना ही नहीं है। कोई इस समय काम आ गया तो बजाय कृतज्ञ होने के उसके चरित्र पर ही उंगलियां उठने लगी। क्यों, विनय बीमार है तो वो अब किसी से बात न करे, छोटे भाई जैसे लड़के से भी नहीं। कोई घर आए जाए भी नहीं। पहले भी सुनील घर आया है, विनय ने उसे अच्छी तरह अटेंड भी किया है। अब ये अपमान क्यों? ये रूपा का भी तो अपमान है कि मैं उसे घर आने से मना करती हूँ, उसे जो हर दुख में मुझे संभाल रही है। ये मेरा भी तो अपमान है। क्या विनय के बीमार होने से अब मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई जाएंगी, और वो भी मेरे ही परिवार के द्वारा? क्या अब कोई सद्भाव से मेरी मदद भी करना चाहेगा तो उसका अपमान होगा? रात दिन मैं किस बात की सजा भुगत रही हूँ? मैंने क्या किया है? दिन ब दिन तन मन से टूट रही हूँ मैं। मेरे पति और मेरे सास ससुर के लिए मेरा दर्द समझना इतना मुश्किल है। मैं विजय की स्थिति महसूस कर रात दिन उसकी मनोदशा का अंदाजा लगा सकती हूँ। बीमार, कर्कश, सास ससुर के इशारों पर इस स्थिति में भी नाच सकती हूँ। मैं शारीरिक और मानसिक संबल के लिए किसी से कोई आशा क्यों नहीं रख सकती? बारिश की परेशानी देखकर इसके बाद भी रूपा ने दवाई या कोई काम पूछने सुनील को भेजा तो विनय और सास ससुर के चेहरे तन गए। सुनील तो पूछकर चला गया। पूरा दिन घर में अजीब सा तनाव रहा। अंजलि हैरान थी कि ये क्या है, क्यों है? मैं कैसे रूपा को सुनील को भेजने के लिए मना करूं? ये कितनी शर्म की बात है। मुझे तो कभी भी किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। अब क्या सबसे कटकर अपने में ही हमेशा जी सकता है इंसान? सास ससुर मुझे हर बात पर ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। विनय का गुस्सा चिड़चिड़ाहट बढ़ता ही जा रहा था। देवर देवरानी ने तो माँ पिताजी को यहाँ भेजकर राहत की सांस ली है। 8-10 दिन में एक बार फोन कर पूछ लेते हैं कि कोई काम तो नहीं है। राकेश उमा को भी विनय ज्यादा पसंद नहीं करते। मैं किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकती। विडंबना से विनय का साथ छूट रहा है। हर पल उन्हें मुझसे दूर करता जा रहा है। रोज सुबह ये आशंका रहती है कि आज का दिन ठीक रहेगा या शाम तक कहीं। मेरी हालत तो फांसी का इंतजार कर रहे उस व्यक्ति की सी है जो जानता है कि गुनाह उसने किया ही नहीं पर अदालत ने मौत की सजा दे दी है। मुझे तो शायद पेरोल पर तभी छोड़ा जाएगा जब विनय उफ नहीं नहीं पर गुनाहगार तो तब भी मैं ही मानी जाती रहूंगी शायद। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी थी ये, और कहीं ना कहीं ये एक आम नारी की विडंबना है जो तन मन धन से अपने परिवार की सेवा में लगी रहती है। चाहे कोई ऐसी मेडिकल स्थिति हो चाहे ना हो, वो अनवरत अपने परिवार की देखभाल में लगी रहती है अपनी हेल्थ नेग्लेक्ट करके। तब भी उसके हिस्से क्या आता है? अपमान, गालियां, ताने। क्यों एक ससुराल पक्ष, वर पक्ष, एक जो बहू होती है, स्त्री होती है, उसको अपने ही घर का सदस्य नहीं मान पाते? क्यों हमेशा वो पराई ही रहती है, दूसरे घर की आई हुई ही क्यों रहती है, चाहे वो जितना भी कर ले? क्या आप अपने घर की बेटियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? नहीं ना। फिर ये समझना क्यों मुश्किल हो जाता है कि वो भी किसी की बेटी है जो दिन रात लगी रहती है आपकी सेवा में? क्या इतना मुश्किल है उसे समझना? ये हमारे समाज में गौर करने की बात है। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक संवेदनशील कहानी थी जो मैंने अभी आपके साथ साझा की। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए एवं ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लेख के लिए सुनते रहिए चैनिका हर महीने। अभी के लिए मुझे विनीता थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।